ये पूछ रहे आपका येलो वाला टी शर्ट था ना? हाँ कहाँ रखा? टी शर्ट मेरे में होगा, इसमें क्या उसमें पढ़ने के लिए चाहिए? हाँ बाद में अभी नहाएंगे, ये धो दाते हैं प्रगमन तो नहीं। तो गुड आफ्टरनून, आने दो लोगों को, एक मिनट रुक जाओ। चलो लास्ट में क्या चल रहा था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर आ रहा था शायद मैं। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं एक। ठीक है, H2CO3 डिसोसिएट्स
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन H2CO3 twice H plus plus CO3 2 minus. If 0.1 equivalent of H2CO3 dissociates then number of equivalent of H plus produced will be if 0.1 equivalent of H2CO3 dissociates, the number of equivalent of H plus produced will be. A option 0.1, B option 0.2, C option 0.05, D none. क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ. कनिष्क ऐसा क्यों होगा? 0.1 एक्सप्लेन करो. सबने क्वेश्चन लिख लिया? बताओ आंसर, बताओ. कनिष्क का आंसर आया ए ऑप्शन. गुड कनिष्क. सो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा 1A. रीजन क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एलिमेंट और ऑल आयंस will be same. Number of equivalent of all elements will be equal to number of equivalent of compound. बच्चा लोग समझ में आया?
ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीरो पॉइंट वन टू सिक्स ग्राम ऑफ एसिड रिक्वायर्स ट्वेंटी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एनएच फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ऑप्शन में आपको देता हूं 45, बी ऑप्शन 53, सी ऑप्शन 31.6 एंड डी ऑप्शन 79। सॉल्व कीजिए। आया आंसर किसी का? बच्चा लोग बोलो आंसर बताओ।
बी ऑप्शन, चलो ठीक है। देखो एसिड है और एनएच कौन है, बेस है, तो कोई भी रिएक्शन हो बस रिएक्टिंग स्पीशीज पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मैंने तीन फॉर्मूला आपको बताया, एक होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, दूसरा होता है एन इनटू वेट बाय मोलर मास। आप लोगों का मैं ऑडियो दे रहा हूं। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो यहां पे बेस का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 20 ml, तो 20 हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो क्या लिखेंगे, 0.126 डिवाइडेड बाय ई, सो ई इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा 63। अरे इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा मैंने ऑप्शन ही गलत, क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन गलत नहीं है। मैंने पहला ऑप्शन 45 लिखा है सही, दूसरा ऑप्शन 53, तीसरा ऑप्शन 40 मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था 40 और चौथा ऑप्शन 63 था, 40 और ये 63 था। आप लोगों का आंसर कितना आया था, 63। श्रेया का ठीक था, 63। लॉजिक समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबने लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक अमीनो एसिड। H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक अमीनो एसिड, नहीं एसिड है, दिमाग का क्या कर सोचते रहते हैं। ट्राई बेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट One of its salt is NaH2PO4. NaH2PO4. What volume of 1 molar NaOH solution should be added to 12 gram of NaH2PO4 to convert it into Na3PO4?
मैं आपको ऑप्शन देता हूं। हंड्रेड एम एल, टू हंड्रेड एम एल, एटी एम एल, थ्री हंड्रेड एम एल। चलो ट्राई करो। आया किसी का आंसर? प्रशांत, सौम्या, शशांक, रश्मि, अभिषेक, श्रेया, तेज प्रताप, कितना आ रहा है? 200 ml। टू हंड्रेड एम एच। चलो फिर चेक करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, कितना H प्लस रिलीज करेगा? बोलो देखो, अगर किसी क्वेश्चन, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मोनो बेसिक, इसका मतलब उसका एन फैक्टर वन होगा। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डाई बेसिक, इसका मतलब एन फैक्टर टू होगा। और लिखा हुआ है ट्राई बेसिक, तो इसका एन फैक्टर थ्री होगा। मतलब ये एक एच प्लस रिलीज करेगा, ये दो एच प्लस रिलीज करेगा, और ये तीन एच प्लस रिलीज करेगा। तो लिखा हुआ है H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4। मतलब इसमें से कितना हाइड्रोजन गायब हो चुका है? तो चलो, अगर कोई H3PO4 से NaH2PO4 बनाता है तो इसमें से कितना हाइड्रोजन गायब हो चुका है? बोलो, एक। तो इसका एन फैक्टर थ्री है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, बिल्कुल सही।
अब क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वन मोलर NaOH सॉल्यूशन शुड बी एडेड। तो इक्वेशन क्या बनेगा कि NaOH प्लस NaH2PO4 और यहां पे मिल क्या रहा है Na3PO4, और साथ में क्या मिलेगा यहां पे H2O। तो NaOH और NaH2PO4 में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4। तो NaH2PO4 का तो वेट दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय E, और यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH भी क्या लिखेंगे। अब NaOH का एन फैक्टर कितना होता है बच्चे लोग, NaOH का एन फैक्टर 1, बिल्कुल सही। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि नॉर्मिलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, तो नॉर्मिलिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी आपका 1 है और एन फैक्टर भी 1 है, मतलब नॉर्मिलिटी 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1 इनटू, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, इक्वल टू 12 बाई ई। अब NaH2PO4 का एन फैक्टर 2 है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 97/120 हो जाएगा। सो 10, वॉल्यूम इक्वल टू 0.2 लीटर, दैट इज 200 ml। सही बच्चा लोग, तुम लोग तो बिल्कुल सही बना रहे हैं। अभिषेक का सही है, तेज का सही है, श्रेया का सही है, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों। प्रशांत तुम्हारा क्या आंसर आया था, कनिष बीच में गायब हो गया था तू, कनिष गायब ही शायद अभी तक, हाँ गायब ही। ओके सबका, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए रिएक्शन को मैंने देख बनाते बनाते समझ जाएगा प्रशांत। तुम लोग के पास रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, वहां जाकर देख ले समझ जाएगा। अब देखो, इन ए रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन are transferred to 1 mole of HNO3 when acted as an oxidant the possible reduction product is,
वन बाई टू मोल ऑफ एन टू वन बाई टू मोल ऑफ एन टू ओ वन मोल ऑफ एनओ टू वन मोल ऑफ एन एच थ्री आप लोग सॉल्व करो, मैं एक मिनट पे आ रहा हूं। आया बच्चा लोग इनसे चलो चेक कर लेते हैं। तेज प्रताप आया, रश्मि, श्रेया भी आ रहा है, तो तुम लोग बना के बोलता क्यों नहीं है। चलो चेक करते हैं। चलो यहां पे लिखा हुआ है HNO3 है। अच्छा ये बताओ कौन रिड्यूस होगा, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा। नाइट्रोजन यहां पे प्लस फाइव में है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस वन में है, बाकी किसी भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दिखलाया नहीं, मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा नहीं। ऑक्सीजन आपका माइनस टू में है, ऑलरेडी मिनिमम पे, मतलब और फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, मतलब नाइट्रोजन ही रिड्यूस होने वाला है। और यहां पे लिखा हुआ है फोर मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू वन मोल ऑफ HNO3। ये मेरे पास वन मोल है और इसमें चार मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कितना मोल नाइट्रोजन आएगा, तो प्लस फाइव है, प्लस फाइव में चार इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मतलब नाइट्रोजन मुझे प्लस वन में मिलना चाहिए। अच्छा यहां पे अब नाइट्रोजन कहां कहां पे, तो यहां नाइट्रोजन जीरो है, यहां नाइट्रोजन प्लस वन में है, यहां नाइट्रोजन प्लस फोर में, और यहां नाइट्रोजन माइनस वन बाई थ्री में है। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बच्चे लोग।
अरे वाह, तुम लोग तो बिल्कुल सही सही बना रहे हैं। बाकी इसी एन प्लस को उसने हाफ इन टू ओ दिखलाया, बिकॉज आपके पास वन मोल ही है, तो हाफ इन टू ओ का मतलब है टू इंटू वन बाई टू इंटू टू, मतलब वन नाइट्रोजन हो जाएगा, आपके पास वन नाइट्रोजन ही है। सबका हो गया? चलो बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के, टू एसिड्स H2SO4 एंड H3PO4 आर न्यूट्रलाइज्ड separately by the same amount of an alkali. Two acids H2SO4 and H3PO4 are neutralized separately by the same amount of an alkali when sulfate and dihydrogen orthophosphate sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed find the ratio of masses of H2SO4 and H3PO4. चलो मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं। 1640 हो रहा है, 1642 पे इसका आंसर कंधर जल्दी बताओ।
बिल्कुल, अगर लॉजिक पकड़ लो तो बिल्कुल सही है। बताओ क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा? दो एसिड है H2SO4 H3PO4, दोनों सेम अमाउंट ऑफ एल्केली का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्केली, लिख सकते हैं बच्चे लोग? ये आप सब लोगों ने लिखा है, ठीक है। अब इन दो को इक्वेट कर लेते हैं। अब देखो H2SO4 जो है वो सल्फेट बनाता है, मतलब H2SO4 किसमें कन्वर्ट हुआ? SO4 2- में हुआ, मतलब इसका n फैक्टर क्या लेंगे। और H3PO4 जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है H2PO4- में, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा वो बताओ। यही पे आपका क्वेश्चन फंसेगा, तो फंसेगा नहीं तो निकल जाएगा। 2N1, बिल्कुल सही। अगर ये सोच लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। अब यहां पे देख लेते हैं, वेट ऑफ H2SO4 by molar mass 98 होता है, divided by n factor वो कितना है? 2 है। Equal to weight of H3PO4, उसका molar mass भी 98 ही होता है और उसका n factor 1 होता है। So that is weight of H2SO4 by weight of H3PO4 is equal to 1/2। सबका हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो 0.376 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विथ 0.468 liter of hydrogen. At NTP. Find the equivalent volume of hydrogen. If the equivalent weight of aluminium is 9,
बिल्कुल आसान सवाल है। गुड, आंसर आ रहा तो अच्छा ही है। देखो इस प्रोसेस में जो देखो इक्विवेलेंट मास का जो वॉल्यूम होगा वही इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट is called as equivalent volume. So L process में क्या हुआ, H plus hydrogen gas बना रहा, तो बोलो तो इसका N factor क्या होगा, कितना है N factor? बोलो बच्चा लोग एन फैक्टर। एसिड बोलने का मतलब क्या हुआ, एच प्लस और उससे बन रहा है हाइड्रोजन, तो वही प्रोसेस लिखा मैंने एच प्लस टू हाइड्रोजन, तो टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या बना, हाइड्रोजन, तो एन फैक्टर क्या होगा, वन। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एस टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल, तो इसका एन फैक्टर हो गया, और मैंने वन क्यों लिख दिया, एन फैक्टर टू है भाई, मैंने वन क्यों लिख दिया। सो टू इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एस टू इक्वल टू 0.376/9। So number of mole of H2H 0.376/18. So volume of hydrogen gas number of mole into 22.4, that is 0.376/18 into 22.4, और ये आपको आएगा 0.376 उन्हें 22.4 डिवाइडेड बाय 18, मेरा आंसर अलग क्यों आ रहा है, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। मेरा आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है,
आंसर तो 11.2 ही दिया है। तो नंबर ऑफ एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू 0.376 बाय 9। ये आ रहा है 0.46। एक मिनट रुक जा, ये आ गया 0.4679। सो ये वॉल्यूम है कितने का, 0.376 डिवाइडेड बाय 0.376 बाय 9। ये बेसिकली कितना है, 0.0417। तो 0.0417 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम है 0.4679। तो 1 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.4679 डिवाइडेड बाय 0.0417। 0.4679 डिवाइडेड बाय 0.0417। हाँ सही है, 11.2 ही तो आ रहे हैं। देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन में था इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना था, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट। सो वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 n इक्वल टू 2। तो यहां से ये जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है ना, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो आपका वॉल्यूम है, ये कितने इक्विवेलेंट का है, इतने इक्विवेलेंट का है। तो ये जो वॉल्यूम है वो 0.0417 इक्विवेलेंट का है। तो यहां पे मैंने वही यूनिटरी मेथड लगाया कि 0.0417 इक्विवेलेंट पे इतना लीटर मिलता है, तो 1 इक्विवेलेंट पे कितना मिलेगा, 11.22 लीटर मिलेगा। समझ में आया बच्चा लोग? यहां पे मैं छोड़ देता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहां पे छोड़ने पे, बिकॉज ये 1 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम ही नहीं है, ये तो 0.376 बाय 9 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसको सॉल्व करो।
चलो देखते हैं। बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? तेज प्रताप का डी है, सौम्या का बी है, श्रेया का डी है। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 मोलर FeSO4 वाज टाइट्रेटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन। तो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? FeSO4 प्लस KMnO4 के बीच में हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। अब देखो यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज करना है। इन केस ऑफ KMnO4 एन फैक्टर इक्वल टू 5, एन फैक्टर कैन बी इक्वल टू 3 एंड एन फैक्टर कैन बी इक्वल टू 1, ये डिसाइड करता है मीडियम ऑफ द रिएक्शन। सो एन फैक्टर 5 का मतलब है ये एसिडिक मीडियम में होगा, एन इक्वल टू 3 का मतलब है ये न्यूट्रल मीडियम में होगा, और एन इक्वल टू 1 का मतलब है ये बेसिक मीडियम में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास K2Cr2O7 है तो इसका एन फैक्टर 6 ही होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करना पड़ता है क्वेश्चन। अब KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस कंपाउंड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज होगा? इफ यहां पे प्लस 2 है। अब देखो KMnO4 ना तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो फाइनली यहां पे क्या मिलेगा? Fe3+ मिलेगा, चाहे वो जिस भी फॉर्म में मिले, ठीक है। और KMnO4 जो होता है वो MnO बनाता है n इक्वल टू n फैक्टर 5, बिकॉज मैग्नीज यहां पे प्लस 7 है, जब प्लस 2 में जाएगा तभी n फैक्टर 5 होगा। तो ये फिक्स है, एसिडिक मीडियम में ऐसा ही होता है। तो अब यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू FeSO4 कितना है 0.1 और इसका एन फैक्टर भी है 1, तो एन फैक्टर इनटू मोलारिटी नॉर्मेलिटी हो गया। अब आते हैं KMnO4, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं V by 1000 into N, तो ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो बेसिकली क्या हमें N into V का प्रोडक्ट हमें 1 चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखो 0.1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इनको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इस वाले में 10 इंटू 0.1 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 5, इस वाले में 10 इंटू 0.5 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 25, और इसमें आ जाएगा 10 इंटू 0.02 इंटू 5 तो 0.2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एन वी इक्वल टू 1 कहां पे आ रहा है?
डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। अच्छा ये बताओ, ये एन फैक्टर तो मैंने तुम लोगों को बताया था क्या, एसिडिक वाला? गणेश, तेज प्रताप, सौम्या, श्रेया, ये एन फैक्टर फाइव वाला कॉन्सेप्ट बताया था क्या? तो फिर सॉल्व कैसे कर लिया तुम लोग? तुम लोग आता है क्या पहले से चैप्टर? तो फिर सॉल्व कैसे हुआ? सबका आंसर डी आया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। एक मिनट में लॉग आउट होकर लॉग इन कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे आगे आगे। चलो ये क्वेश्चन करो। आया किसी का आंसर?
चलो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई एक मेटल आयन का सॉल्यूशन है जिसमें ये कंसंट्रेशन है और ये रिएक्ट कर रहा है 20 ml SO2 के साथ और ये इक्वेशन दिया गया है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, बोलो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO2 लिख सकते हैं, अब ये बताओ SO2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है बताओ, सौम्या, प्रशांत, तेज प्रताप, गणेश, SO2 किसमें कन्वर्ट हुआ, SO2 किसमें कन्वर्ट हुआ, बोलो। अरे लिखा हुआ इक्वेशन में देखो ना, सल्फर किसमें चला गया, SO4। तो यहां पे सल्फर प्लस फोर में है और यहां पे सल्फर कहां पे है, प्लस सिक्स में, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब SO2 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब मेटल आयन का पता नहीं तो यहां पे ऐसा लिखते हैं 20/1000 इंटू 0.1। अब मेटल आयन का हम n फैक्टर n मान लेते हैं, इक्वल टू SO2 कितना है 20/1000 इंटू 0.1 और SO2 का n फैक्टर कितना, बच्चा लोग देखो, दो। तो यहां से n क्या सॉल्व होके आ रहा है, n इक्वल टू टू, इसका मतलब है जो मेटल आयन है वो प्लस थ्री में है। अब ये बताओ मेटल आयन का ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, अच्छा ये बताओ जो कभी भी कोई रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन वो किसके बीच में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो सल्फर और SO2 और मेटल आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो SO2 का क्या हो रहा है, SO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। नहीं आप लोग का ये आंसर गलत है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मेटल आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दोनों ही रिड्यूस नहीं होगा, तो मेटल आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, क्या हो गया इसको, एक मिनट, एक क्वेश्चन आ गया,
चलो मैं यहीं पे बताया, तो क्वेश्चन तो आपके पास लिखा ही हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, मेटल आयन इन प्लस थ्री और इसमें दो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। चलो ये बनाओ, किसी का आंसर आया? तो चलो ऑप्शन सी 5/4, चलो देखते हैं। इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना आया? इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना आया?
बच्चा लोग के एच सी टू ओ फोर डॉट एच टू सी टू ओ फोर डॉट टू एच टू ओ, इसका एन फैक्टर 4 होगा, 3 नहीं होगा। अगर 3 होगा तो फिर 5/4 आंसर ही नहीं आएगा। आंसर तो 5/4 ही है बट इसका एन फैक्टर 4 होगा। कैसे होगा 4? तो देखो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे 4 होगा। पोटेशियम +1, हाइड्रोजन +1, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2। हाइड्रोजन +1, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। सो पूरे प्रोसेस में बचा कौन है? तो कार्बन है जो ऑक्सीडाइज्ड होगा। कितने कार्बन? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? 4। और जब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या बनेगा? ऑलरेडी +3 में, और मैंने पहले ही बोला था आपको कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आप ऑलरेडी +3 पे हो और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा? +4 में जाएगा। तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने मॉलिक्यूल से? 1 मॉलिक्यूल से। तो ओवरऑल इन सब का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को हम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 से रिएक्शन करा रहे। क्वेश्चन में कोई मीडियम मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, H2C2O4 है वो एसिडिक होता है तो हम एसिडिक मीडियम कंसीडर करेंगे। अगर पर मैग्नेट के लिए कभी कोई मीडियम मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम एसिडिक मीडियम लेते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, चलो इस कंपाउंड को मैं एक्स बोल देता हूं। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स इंटू एन फैक्टर दैट इज 4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 या पर मैग्नेट जो भी है। इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका 5 होता है। क्वेश्चन में दिया गया 1 मोल पर मैग्नेट। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स इक्वल टू 5/4। प्रशांत तेरा आंसर कैसे आ गया? एन फैक्टर तुमने गलत लिया था, अगर 3 लेता तो आंसर 3/4। फाइव बाई थ्री आंसर आता है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमेशा याद रखो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग इंजन के साथ रिएक्शन करता है एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होके जाता उसका आंसर बोले हुआ है। बाकी और बाकी लोग आंसर श्रेया सौम्या तेज प्रताप शशांक सबका आंसर 5/3 आया था। क्या आंसर आया था तेज प्रताप? ठीक, देखो जब भी कोई रिएक्शन करता है
तो हमेशा याद रखो कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जो भी रिएक्ट करेगा हमेशा याद रखना उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा, बस आपको एन फैक्टर सही कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो चलो आज इतना ही रहने दो, अभी 5 मिनट बाद फिर से दूसरा क्लास है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक दे देता हूं, ट्राई करना। चलो इसको लिख लो, ये लिख लो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, दोनों को ट्राई करना घर पे। लिख लिए? ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा। चलो ये लिख लो, ठीक है। चलो इसको बनाओ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बस मुझे याद दिला देना, ठीक है? चलो बाय बाय।